just made for fun and entertainment, so please don't take this video seriously. Hi, I'm Sangha. You my childhood love story ka part 6 hai. Iske pehle part mein humne dekh chuke hai ki Ted Chicky ko bahut hi baatein sunati hai. Ab iske baad sorry Ted. Itna kehne ke baad Chicky apne classroom pe daud ke chale aata hai. सॉरी जेके, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। जेके की क्लासरूम में। जेके, मैं चला आया हूँ और मैंने तेरे लिए तेरा फेवरेट बनाना मिल्कशेक भी लाया हूँ। अब अच्छे बच्चे की तरह ये खा ले। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्लीज मुझे अकेले रहने दे। क्या हुआ है तुझे? तू क्यों रो रहा है? देख, मैं तुझे अच्छी तरह से कह रहा हूँ, प्लीज रहने दे मुझे अकेले। तो बता तो सही क्या हुआ है, ये क्या कोई कुछ कहा है या किसी के साथ तेरा फाइट हुआ है? बता ना जी कि क्या हुआ है। तू मुझे अकेले रहने देना प्लीज। मेरी ओर देख और बता क्या हुआ है। अरे कितनी देर से कह रहा हूँ मुझे अकेले रहने दे, अकेले रहने दे। क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? क्या तुझे समझ नहीं आ रहा है? मुझे नहीं चाहिए तेरा झूठी सिंपैथी। क्या मैं तुझे झूठा सिंपैथी दिखाता हूँ? ओके सॉरी, और नहीं दिखाऊंगा तुझे ये झूठी सिंपैथी। इसके बाद सुगा वहाँ से हार्ड होकर चला जाता है। मुझे प्यार ही नहीं करना था तो मुझे क्यों बचाया? मुझे प्यार ही नहीं करना था तो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों किया? कॉलेज छुट्टी होने के बाद जेके अपने घर आके खुद को खुद की रूम में लॉक कर देता है। इधर लिसा भी कॉलेज में जेके को ना देख पा के घर चली आती है। जिमिना, जंगू क्या घर चला रहा है? मुझे तो नहीं पता है जी, मैं तो अभी अभी घर पे आई हूँ। मैं उसे लाने कॉलेज गई थी लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। चल उसके रूम में देखते हैं। हाँ चलो। इसके बाद वो दोनों जेके के रूम के बाहर जाते हैं और देखते हैं अंदर से रूम लॉक है। भाई तू तो दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहा है? तू तो कब आया है और तुझे क्या हुआ है? जेके तू इतनी जल्दी क्यों चला आया है? और तुझे मैं कहा था ना रुकने के लिए, और तुम दरवाजा बंद करके क्यों बैठा हुआ है? जेके दरवाजा खोल और हमसे बात कर। जेके, लेकिन जेके दरवाजा खोलता नहीं है और कहता है, अरे प्लीज कोई मुझे अकेले रहने दो ना, प्लीज 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 मुझे अकेले रहने दो, मुझे ऐसे तंग करना बंद करो। लेकिन भाई नहीं चिमिना, ये राइट टाइम नहीं है, हमें उसे अकेला छोड़ना पड़ेगा कुछ देर के लिए। अब हम उसके साथ फोर्सफुली बात करने जाएंगे तो बात बिगड़ भी सकता है, इसलिए अब रहने दो, बाद में फिर से ट्राई करेंगे। जिमिना लिसा की बात मान जाती है और जेके को अकेले रहने देती है। और अदर साइड पे के घर। क्यों गॉड क्यों, मेरे साथ ही आपने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे ही अपने प्यार को पाने के लिए इतनी प्रॉब्लम के साथ फाइट करना पड़ेगा? आज फिर से उसे मुझे हार्ड करना पड़ा। मेरे वजह से जेके आज कितना हार्ड हुआ है। उसी वक्त सुगा टेक के रूम के बाहर से गुजर रहा था, इसलिए वो लास्ट वर्ड्स सुन लेता है और दौड़ के जंगकुक के घर चलाता है। लिसा दी, जंगकुक कहाँ पर है? जंगकुक तो उसके रूम में डोर बंद करके है। वो किसी के साथ बात भी नहीं कर रहा है और खाना भी नहीं खाया है। क्यों, क्या हुआ है और तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? इसके बाद सुगा को जितना पता था उतना ही सबको खुल के कहता है। जेके फिर से मेरे दीदी के वजह से हार्ड हुआ है। मेरा भाई का दिल फिर से टूट गया, हम अब कैसे फिर से जोड़ेंगे? मेरा दी ये करके ठीक नहीं किया। तुम दोनों भाई बहन ऐसा क्यों हो कि हमारी बात कभी भी नहीं समझते हो? उस वक्त सब लोग जेके को लेकर परेशान था, इसलिए कोई भी जीवना की बात पे गौर नहीं करता है। जेके ने कॉलेज में टिफिन भी नहीं किया, हमें उसके पास जाना चाहिए, उसे कुछ खिलाना चाहिए। हाँ अब हमें जेके के पास जाना चाहिए। इसके बाद सब लोग मिलकर जेके के पास जाते हैं। भाई तो प्लीज दरवाजा खोल, प्लीज मुझसे बात कर। भाई तो बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया, तो प्लीज कुछ खा ले। भाई दरवाजा खोल ना, प्लीज दरवाजा खोल दे। जेके दरवाजा खोल, तेरे साथ मुझे कुछ बात करना है। मुझे किसी के साथ बात नहीं करना है, प्लीज दी मुझे अकेले रहने दो। भाई मेरा कसम तो दरवाजा खोल। हमें तो पता ही है कि जेके जिमिना को कितना ज्यादा प्यार करता है, इसलिए जेके जिमिना की बात टाल नहीं पाती है और दरवाजा खोल देता है। तो अब हमें ये बता कि कॉलेज में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे क्यों रो रहा था? देख जेके, हमें पता है कि तू टेक के पास गया था, अब बताओ क्या हुआ था और तू क्यों गया था?
तुझे मैं रोने के लिए नहीं कही हूँ, तुझे मैं कारण पूछ रहा हूँ तू क्यों गया था तेरे पास। मैं तुझे इतनी बार कही हूँ कि तुझे तेरे को इग्नोर करना पड़ेगा, लेकिन तब भी तू गया, क्यों गया तू? मुझे क्या, प्लीज बता ना क्या हुआ है। बता ना भाई, तू इतने ज्यादा हर्ट कैसे हुआ है, क्या हुआ था? इतने सारे लोगों का रिक्वेस्ट के बाद जीके कहता है मैं तो तेरे पास तू तो तेरे पास क्या बोल मैं तो तेरे पास उसे सॉरी कहने के लिए गया था। और इसके बाद क्या हुआ? और मैं गलती से उसे किस कर दिया। ओह गॉड, तू ऐसे कैसे किस कर दिया? तू कह रहा है कि तू सॉरी कहने गया, तू किस कर दिया? हाँ, मैं सॉरी कहने के लिए गया था, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैं ये कर दिया। तो से मत रो भाई, हम फिर से ट्राई करेंगे, इस पर मानी जाएगी दीदी। नहीं बहन, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आज पता चल गया कि वो मुझे प्यार नहीं करती है। वो आज मुझे बहुत कुछ बताया है। नहीं जीके, ऐसा नहीं है। जो भी हो, कोई भी मुझे कुछ भी करने के लिए फोर्स मत करना। मैं अब सब कुछ भूल के खुद के करियर पे, खुद के स्टडी पे फोकस करना चाहता हूँ। अब क्या होगा, आपका जीके का चाइल्डहुड लव स्टोरी अधूरा रह जाएगा? ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये वीडियो क्या इतना गंदा था? ऐसे ही मैं वीडियो बनाते टाइम बड़े और बच्चे सबको बैलेंस करके वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, तब भी। मेरा मकसद आपको हार्ट करना नहीं है, फिर भी आप हार्ट हुए हो तो सॉरी। इतने से मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सांगो, बाय बाय।